वन, आज हम लोग पीएम श्री केंद्र विद्यालय का एक पेपर डिस्कस करेंगे, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन ईवीएस क्लास थर्ड न्यू पैटर्न पे 2024-25 पर। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन रिपीटिंग। आप लोगों को बच्चों बता दूं, जो भी आपकी ईवीएस बुक में पिक्चर्स आती है ना, उन पिक्चर्स को अच्छे से देखा कीजिए और उन पिक्चर्स के नाम याद कीजिए। ईवीएस में बहुत ज्यादा पिक्चर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ओके, अब पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फैमिली। ओके, आपको एक फैमिली की पिक्चर दी गई है, बताइए ये कौन सी फैमिली है। तो इट इज अ फैमिली, कौन सी फैमिली है? न्यूक्लियर फैमिली। जैसे न्यूक्लियर फैमिली है, NUCLEAR, न्यूक्लियर। एक होती है ज्वाइंट फैमिली, जो बड़ी फैमिली होती है, ये दो फैमिली होती है। हमने टू टाइप्स की फैमिली पढ़ी थी, एक न्यूक्लियर जिसमें क्या होते हैं, मम्मी पापा बच्चे, तो मतलब पेरेंट्स और बच्चे, तो ये होती है न्यूक्लियर फैमिली। दे आर आर मेंबर्स इन दिस फैमिली, पूछ रहे हैं कितने मेंबर्स हैं इस फैमिली में। तो 1, 2, 3, 4, कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है, एक फैमिली की फोटो और दी गई है, लेकिन इसमें क्या है, देखिए ग्रैंड पेरेंट है ये पेरेंट्स हैं इनके, लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना बच्चों के पेरेंट्स, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, इनका एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा, एक सारी थर्ड। तो ये चाचा ताऊ, ये जो चाचा ताऊ वगैरह सब मिक्स रहते हैं, इस फैमिली को बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। एक फैमिली हमने पढ़ी थी न्यूक्लियर फैमिली, एक फैमिली पढ़ी थी ज्वाइंट फैमिली, और एक और होती है लार्ज, जिसमें मौसा मौसी सब लोग आ जाते हैं, चाचा चाची। तो ये फैमिली है ज्वाइंट फैमिली, JOINT। स्पेलिंग का खास ख्याल रखिए बच्चों। देयर आर मेंबर्स इन दिस फैमिली, कितने मेंबर्स है इस फैमिली में, तो काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 मेंबर्स है। नेक्स्ट है, हियर इज अ गर्ल हुज नेम मीना शुक्ला, मीना शुक्ला इस बच्ची का नाम है, राइट, व्हाट इज हर सरनेम, तो सरनेम बताइए। देखिए जब आपका नाम होता है ना, उसके पीछे जो आप लगाते हैं टाइटल, उसको सरनेम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अक्षता तिवारी, ठीक है, अक्षता तिवारी, तो इसमें जो तिवारी है ना, ये आपका टाइटल है, इसको बोलते हैं सरनेम। तो इसमें इस बच्ची का सरनेम क्या है, शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सोर्सेस ऑफ वाटर इन द गिवन पिक्चर, चूज फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। देखिए आपको एक हेल्प बॉक्स दिया है, लेकिन हेल्प बॉक्स में ज्यादा पिक्चर्स दी गई हैं, लेकिन पिक्चर एक्चुअल में, सॉरी, नाम ज्यादा दिए गए हैं, पिक्चर आपके पास 3 है, तो सही पिक्चर्स के सामने सही नाम लिखना है। ये क्या है, देखिए वाटरफॉल है, पानी ऊपर से गिर रहा है, जैसे झरना बोलते हैं, तो ये क्या है, वाटरफॉल, हिंदी में झरना बोलते हैं, ये क्या है, रिवर। ये हेल्पिंग बॉक्स में आपकी लिखी हुई है यहाँ पे रिवर। ये क्या है, हैंडपंप, हैंड, हैंड से चलता है हैंड पंप। रेन नहीं है इसमें, वेल टैप वाटर नहीं है, ओनली 3 है। चलिए, कलर द वेजल्स यूज फॉर स्टोरिंग द वाटर इन योर होम, आपको ऐसे वेजल्स पे कलर करना है बर्तन पे, जिसमें आप पानी वाटर को स्टोर करके रखते हैं अपने घर में, बकेट में रखते हैं, बाउल में रखते हैं, क्या नहीं, बोतल में, हाँ बोतल में भी कर सकते हैं, बोतल में भी काफी लोग रखते हैं, कांच की बोतल में, बट ये कांच की है, प्लास्टिक भी होती है, स्टील की भी होती है, इसमें दो में आप कलर कीजिए। सम पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स आर गिविंग हियर, आपको कुछ प्लांट्स की पिक्चर्स दी गई हैं, आपको इनके नेम बताने हैं कि ये किसकी पिक्चर्स है। देखिए आप इसमें तो क्लियरली दिख रहा है मैंगो लगे हैं, तो ये क्या है, मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री, ये क्या है, इसकी आइडेंटिफाई कीजिए, इसकी जो लीव्स हैं वो क्या है, और ये निवोली लगी हुई है, हमारे यहाँ तो निवोली बोलते हैं, आप बताइए तो क्या है, तो इसमें क्या है, ये नीम ट्री, ये क्या है, कैक्टस, ये है कैक्टस प्लांट। नेक्स्ट है, ओके, ये रेड रेड आपको छोटी छोटी दिख रही ना, ये लीची है, तो ये लीची ट्री है, लीची ट्री, और ये क्या है, ये जमीन में लग रही है पालक, जिसे स्पिनिच बोलते हैं, SPINACH,
NCH, सॉरी SPINAH, जस्ट अ मिनट, ओके ACH, स्पिनिस, ये है तुलसी प्लांट, तुलसी का है, तो यहाँ पे लिखेंगे तुलसी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द कॉलम, यहाँ पे दा है, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी बाय यूजिंग डिफरेंट कलर पेंसिल। ओके, आपको डिफरेंट कलर पेंसिल से, ये से लॉस्ट एंड फाउंड बूथ कहाँ पे था, मेला। नेक्स्ट कलर चेंज करना है, लॉसर क्या है, लॉसर एक फेस्टिवल है। ओके नेक्स्ट, ट्री, ट्री क्या है, पीपल और मैंगो, ये क्या है, ट्री। क्लिम्बर, क्लिम्बर क्या है, मनी प्लांट। ये आपके इस तरह से मैच करने हैं अलग अलग कलर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट्स। ओके, ये क्वेश्चन आपके में इम्पोर्टेंट है, आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो इसमें पार्ट्स लिखने हैं। जैसे फ्रूट्स यहाँ पे दिया है, तो फ्रूट्स कहाँ है, ये रहा फ्रूट्स, FRUIT। एक सेकेंड, कलर चेंज करें, जस्ट अ मिनट। फ्रूट ये क्या है, फ्लावर। नेक्स्ट ये लीफ, ये लिखा हुआ है पे लीफ। रूट, रूट ये नीचे का हिस्सा जो जमीन के अंदर रहता है उसे रूट बोलते हैं। स्टीम, जो ऊपर से फिर ये दिखाई देती है हल्की सी लकड़ी, हरी हरी कलर की पतली सी स्टीम होती है। सीड, सीड होता है बीज जो फल के अंदर ज्यादातर रहता है। तो ये नाम हो गए इसके, नेम हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैच द एनिमल्स विद देयर बेबीज। आपको इनके बेबीज के सामने इनको मैच करना है। टाइगर का बेबी क्या है, कैब। टाइगर के बेबीज को क्या बोलते हैं, कैब। नेक्स्ट है डियर, डियर के बेबी को फोन बोलते हैं, FAWN। किटन, तो किटन किसको बोलते हैं, कैट के बेबी को बोलते हैं, कैट का जो बेबी होता है उसको बोलते हैं। तो काउ के बेबी को बोलते हैं काफ, हॉर्स के बेबी को बोलते हैं फॉल या फॉल्च। तो ये वाला सही है, या तो यहाँ पे शायद कैट था या फिर यहाँ पे फोन था, मिस्टिंग है, मिस्टेक है इसमें, कोई बात नहीं। चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस डॉग। पुलिस डॉग का क्या रोल होता है, ये आपके जो मेला चैप्टर था ना उसमें से है कि पुलिस डॉग का क्या रोल है। तो भाई पुलिस डॉग का वो क्या करता है, जो सेंट होता है ना किसी भी इंसान का, खुशबू से उसकी हेल्प करता है उसे सर्च करने में। तो हम लिखेंगे पुलिस डॉग, पुलिस डॉग हेल्प ऑफिसर्स बाय स्निफिंग आउट डेंजर्स आइटम्स, फाइंडिंग लॉस्ट प्यूपिल और कैच क्रिमिनल्स। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली कितने टाइप की होती है, फैमिली टू टाइप की होती है जनरली, टू टाइप्स। फर्स्ट कौन सा है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर। सेकंड जॉइंट, जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट है, ड्रॉ एनी ट्री, राइट द नेम ऑफ इट। आपको कोई भी एक ट्री ड्रॉ करना है अच्छे से, मैंगो ट्री ही कर सकते हैं, छोटे छोटे मैंगो लगाने हैं और उसके पार्ट्स के नेम लिखने, मतलब यहाँ पे लीव्स बनाई है तो यहाँ पे लिखिएगा ये लीफ है,
नीचे ये रूट्स बनाइए तो यहाँ लिखिए रूट्स है, यहाँ पे स्टीम तना, और उसमें जो भी फ्लावर्स बनाइए तो फ्लावर्स लिखिए। ये हमारा पेपर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पेपर पसंद आया है तो लाइक कीजिए। बाय बाय।